यह सूचना खास करके महिला वर्ग के लिए है। कई प्रकार की समस्या होती है, जो कई प्रकार की समस्या कॉमन होती है, जो सब में हो सकती है, स्त्री पुरुष महिला बच्चे सब में हो सकती है। कुछ स्पेशल समस्याएं होती हैं, मर्दों में होती हैं वो समस्या, या तो औरतों में ही होती है वो समस्या। अलग अलग वर्गीकरण है उन समस्याओं का। महिलाओं की इन समस्याओं में से एक समस्या है सफ़ेद पानी, पेशाब के रास्ते सफ़ेद पानी आना, लिकोरिया, परदर्द, कितने प्रकार के नाम है इसकी। और कई महिलाओं को सफ़ेद पानी आने के साथ साथ क्या होता है, पेशाब वाली जगह में छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं, दर्द हो रहा होता है, हल्की स्वेलिंग आ जाती है, ये भी होता है। इस सफ़ेद पानी के आने के समस्या के साथ साथ अगर आपको ये भी समस्या है, वो भी ठीक हो जाएगी। इसके लिए आपने दो चीज़ों का मेन आपने वो करना है, अरेंजमेंट करना है, बाज़ार से ख़रीद के लाना है। सस्ती है, 100 रुपये में आ जाएगी। सबसे पहला चीज़ लाना है आपने, ये जामुन के गुठली का चूर्ण, ये बैद्यनाथ का बना हुआ है, ये ले आओ। कई कंपनियां बनाती हैं, ये व्यास फार्मा इंदौर वो भी बनाती, कई कंपनियां बनाती हैं, किसी का भी अच्छी कंपनी का ले आओ। व्यास फार्मा इंदौर भी अच्छा बनाता है, 70 रुपये में इसको ले आना। और लाना है आपने देसी खांड, ये ऐसी दिखती है देसी खांड, ये एक पाव ले आओ, लगभग 30 रुपये में आएगी, दोनों मिला के 100 रुपये हो गया। तो इसको इस अनुपात में मिलाना है, 4 चम्मच जामुन की गुठली का चूर्ण और 1 चम्मच आपने देसी खांड मिलाना है। इस रेशियो से दवाई बनानी है, इस सबको एक साथ बना लो। इसमें 16-17 चम्मच होंगे, 15 से 16 चम्मच होंगे, इसमें 4 चम्मच देसी खांड मिला लो और अच्छी तरह मिला लो। उसको छलनी से 3 बार छान लेना, जो छलनी के ऊपर बचे उसको फेंकना मत, उसको भी उसी में डालते रहना और 3 बार फिर चम्मच से अच्छी तरह मिला लेना। यहाँ पर थोड़ा मेहनत करना और एक शीशी में रख देना, शीशी में रख बना लोगे जब देसी खांड और जामुन की गुठली का चूर्ण, तो उसका कलर ऐसा हो जाएगा। ये ऐसा बना के रख लेना, दवाई तैयार है, इसको सुबह शाम 1-1 चम्मच खाना है। अब जो देसी खांड बची हुई है उसको क्या करें, आप 1 चम्मच देसी खांड आप 1 गिलास पानी में, सामान्य पानी में अच्छी तरह घोल करके पी जाएं, दिन में किसी भी समय में। और ये दोनों दवाइयाँ सुबह शाम, सुबह खाली पेट भी खा सकते हैं और शाम को 5-6 बजे खा लेना, आप ठीक हो जाएगा। एक लेडीज़ के लिए बनाई थी मैंने, ये दिखाने के लिए ले आया है आपको। तो उसको क्या समस्या थी, सफ़ेद पानी आ रहा था, फिर उसके पेशाब वाली जगह के ऊपर छोटी छोटी फुंसियाँ हो गई, हल्की स्वेलिंग हो गई और दर्द होने लगा। 2-3 दिन में ही फर्क पड़ने लग गया और बोल रही थी 90% ठीक हो गई मैं 4-5 दिन के बाद। आपने इसके साथ परहेज भी करना है, अगर आपने परहेज शक्ति के साथ किया तो आपको चमत्कारिक रिजल्ट 2-3 दिन से मिलना शुरू हो जाएगा। परहेज में सबसे बड़ा परहेज, भात नहीं खाना, नॉन वेज, अंडे, गरम चीज़ें ना खाना, ये फास्ट फूड, तले हुए वाले, ये सब चीज़ें नहीं खाना है आपने, और तो आपको रिजल्ट शानदार मिलने लगी चाहिए आपको। चाय खास करके खाली पेट मत पीना, पानी पी लेना, 1 गिलास ठीक होना है ना, पानी पी लेना, चाय मत पीना। चाय दिन में अगर नहीं रह जाता तो ब्रेकफास्ट के 1-1.5 घंटा के बाद दिन में या शाम को 1 गिलास पी लेना, लेकिन आप सुबह खाली पेट मत पीना। चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा आपको, शानदार रिजल्ट मिलेगा और है भी सस्ता। मेरे ख्याल से इतने में ही 99% औरतों ने ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत रह गया तो एक बार और ले आओ खरीद के, 100 रुपये तक आएगा जामुन की गुठली का चूर्ण और देसी खांड, एक पाव देसी खांड और एक 100 ग्राम का ही, 15-16 चम्मच होते हैं इसमें, 9-10 दिन की दवाई बन जाएगी इसी से। किसने नहीं खाना है ये भी महत्वपूर्ण है, जिन लेडीज़ों को, जिन औरतों को डायबिटीज़ है, चाहे हाई डायबिटीज़ है चाहे लो डायबिटीज़ है, नहीं खाना है। नंबर दूसरा, कोई औरत लीन एंड थिन है, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा है,
वो भी इसका सेवन न करे और रिजल्ट देख ले। ऐसी ऐसी शानदार शानदार चीज़ें बताता रहूँगा, और अच्छा रिजल्ट आ गया तो शेयर भी करना, जरूर करना शेयर। यही मेरी तमन्ना है आप लोगों के साथ, यही मेरा इनाम किताब है, यही मेरी दक्षिणा है। धन्यवाद, थैंक यू।